नाजरीन हेडलाइंस अवानी टू ते ब्रेकिंग न्यूज अवां सा शेयर कंदालू कराची का डीआईजी ओबर मुकद्दस हैदर नस्ला टावर मामले जी जांच ले एसएसपी ओबर अल्ताफ हुसैन जी सरबराई में पंज रुकनी जांच कमेटी जोड़े छड़ी आ है। जांच कमेटी में डीएसपी यूसुफ जमाल इंस्पेक्टर खुशनोद निसार अहमद मेंबर तौर मुकर्रर किया गया है। जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ते नस्ला टावर के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल करे जांच कदी। एक भेरो बीहर अहम खबर के हवाले से अवां के आगाह कंदा तो डीआईजी ओबर मुकद्दस हैदर नस्ला टावर मामले की जांच लाए एसएसपी ओबर अल्ताफ हुसैन की सरबराई में पंज रुकनी जांच कमेटी जोड़े छड़ी है। जांच कमेटी में डीएसपी यूसुफ जमाल इंस्पेक्टर खुशनूत निसार अहमद मेंबर तौर शामिल कया व्या हन। जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ते नस्ला टावर के जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल करे जांच कंदी। तफसील मालूम कंदासीं। धरती टीवी कराची जो रिपोर्टर इसहाक सरकी असासा लाइन ते मौजूद है। इसहाक अपडेट कजो, वधिक छा तफसील आहिन? जी बिल्कुल मंदर दिसो है, नस्ला टावर केस है जिनमें डीआईजी ईस्ट मुकद्दर हैदर पारा जो पंज मेंबरन ते जो टीम आ ठाई वही है, जिनमें जांच टीम ने जो फैरोजाबाद में जो कल केस दाखिल कर उनमें जी शफाफ साफ तहकीकत आंदी। तहकीकत टीम जो इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन एसएसपी ईस्ट अल्ताफ हुसैन, कमेटी जा मेंबर एसपी जमशेद डिवीजन फारूक बिजारानी, उनसा गड कमेटी जा बया जे मेंबर उनमें डीएसपी यूसुफ जमाल इंस्पेक्टर खुशनूद जावेद शामिल है, जिनमें तहकीकती टीम जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जी कल एफआईआर दाखिल कई हुई हुई फैरोजाबाद में, जिनमें नस्ला टावर के जिम्मेदार के खिलाफ जी केस की जांच कई वी केस की जांच करी अग भराई रिपोर्ट आको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डीआईजी ईस्ट मुकद्दर हैदर के हवाले कमें एक हफ्ते में जो जी जांच अग भराई रिपोर्ट डीआईजी ईस्ट के हवाले कई वी जैसे तो सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर के डायण जो हुक्म दिनों उनका जो पुलिस के या हिदायत कई तो जे नस्ला टावर जे मानून ठहरा उन्होंने खिलाफ केस दाखिल कर उन्होंने गिरफ्तार कर सजा दई वे तो केस आ वो दाखिल थी चुके हैं, पर इन हवाले से जी गिरफ्तारी आना तो अमल में ना अची सकी है। तो केस की जी जांच मेंबर कर जी अग भराई रिपोर्ट डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर के हवाले कई वी। जी इसहाक अपडेट कर ले, अवाजी वड़ी मेहरबानी।